like a bell cut. Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do the nervous system part B. So before that, make sure that you have subscribed to my channel and do like, share and comment down, and do watch it till the end. I hope you will learn something new because I'm going to cover very important and interesting topics. So let's get started. So in the previous part, we have done the three parts of the brain, that are cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. So now we are going to do the spinal cord. अब सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि बायोलॉजी है तो इनकी हमें लोकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए. सो स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन क्या है, दैट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन डाउन ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ द बैकबोन टू द एंड एट द सेकेंड लंबर वर्टिब्रे एंड लाइज विद इन द न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रे. ओके, अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, क्रॉस सेक्शन आपको फर्स्ट दिखाई गई है. जो इंटरनल है वो हमारे पास ग्रे मैटर है, जो आउटर है वो हमारे पास वाइट मैटर है. सो जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स हैं वो इनर साइड्स पे हैं, और जो वाइट मैटर है वो बाहर वाली साइड पे आपको स्किन कलर से डिनोट किया गया है. ओके, देन वी हैव दैट देयर इज स्मॉल सेंट्रल कैनाल. अभी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं गई है, अभी फर्दर जब डायग्राम्स में आएंगे सो आई विल शो यू. सो देयर इज अ सेंट्रल कैनाल इन द सेंटर विच रन्स द लेंथ एंटायर लेंथ एंड इज कंटिन्यूस विद द कैविटीज ऑफ द ब्रेन. अब ये जो है ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की तरह से ही भरा हुआ है, विच एक्ट एज अ शॉक प्रूफ कुशन एंड फॉर्म्स द मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड मटीरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेज विद न्यूरॉन्स. अब नाउ देयर इज अ फंक्शन इज ओवर गिवन है कि अब ये जो हमारा सेंट्रल कैनाल है इसके अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है. सो दे आर इट एक्ट्स एज अ शॉक प्रूफ कुशन. It forms the medium for exchange of food and waste product also का exchange, respiratory gases का exchange neurons के बीच में. So अब इसकी भी coverings है, वही same coverings हमारे meninges जो three membranes हैं, that is neura mater, arachnoid and pia mater, जो continuation है हमारे brains के साथ ही. Okay, then you can see now here the central canal. Okay, so then we are having the functions of the spinal cord. So it is concerned with the reflexes which are below the neck. Now it conducts the sensory impulse from the skin to the muscle and the motor responses from the brain to the back to that effector organ or the muscles of the trunk and the limbs. Then we are having the peripheral nervous system. A peripheral nervous system can the manifest हम उसे फर्दर डिवाइड करते हैं एज अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर टू सेट्स ऑफ नर्व्स होती हैं, दे आर क्रेनियल एंड द स्पाइनल. सो जो क्रेनियल है दे इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन. अब क्रेनियल वर्ड ही हमारा किस लिए यूज़ होता है, हमारे पूरे स्कल के लिए यूज़ होते हैं, हमारे फेस के लिए, ठीक है. सो दे आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, सम ऑफ विच आर लाइक सेंसरी लाइक ऑलफैक्ट्री जो हमारे नोज में, ऑप्टिक हमारे आइज के लिए, ऑडिटरी हमारे ईयर्स के लिए. अब मोटर नर्व्स लाइक द वंस गोइंग टू द आई और उनकी मसल्स के लिए, ठीक है. मिक्स जो वापस जा रही हैं वहाँ पर आ रही हैं और जा रही हैं हमारे फेस में, हमारे टंग से. ओके, सो दे कैन बी सेंसरी मोटर और मिक्सड ऑल्सो. ओके, 10 आर नाउ शोन टू दैट आर ऑलफैक्ट्री, ऑप्टिक एंड मेनी अदर आर देयर. Then we are having the spinal nerves. Now they emerge from the spinal cord. Name से पता लग रहा है हमें, और ये 31 pairs हैं. जो 8 pairs हैं वो हमारे neck में हैं, जो 12 pairs हैं वो हमारे thorax, 5 pairs are in the lumbar region and 5 are in the sacral and 1 in the coccygeal regions are there. Okay, जो typical हमारी spinal nerve है ना, it originates from the spinal cord by means of two roots. Like in the In this video, in this we are shown the dorsal and one is showing us the ventral root. So, अब ये क्या है कि every spinal nerve is a mixed nerve having both sensory and motor neurons. Okay, so हर एक के हमारे पास एक dorsal root होती है, एक ventral root होती है, और हर एक dorsal root के पास एक ovoid dorsal ganglion होता है.
ओके और हम इन दो जो रूट्स हैं इनके जंक्शन के ऊपर जो जहाँ पे हमारी सेंसरी और जो मोटर है वो सेपरेट आउट कर जाते हैं. ओके जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं डॉर्सल रूट्स में और जो हमारे मोटर हैं वो वेंट्रल रूट के अंदर. आई रिपीट, जो सेंसरी हैं वो डॉर्सल में और जो मोटर है वो वेंट्रल में कंटिन्यू करते हैं फर्दर. अब ये जो दोनों रूट्स हैं ना दे एंटर द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड एंड इन द कॉरस्पॉन्डिंग डोर्सल एंड वेंट्रल प्रोजेक्शन जो उनके फर्दर है जिन्हें हॉर्न्स बोलते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ ना डोर्सल पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर, सो वही है. तो उनकी प्रोजेक्शन जो होती है ना जो फर्दर ग्रे मैटर के अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं दैट आर नोन एज हॉर्न्स. देन वी आर हैविंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसके टू पार्ट्स हैं दैट इज पैरासिम्पथैटिक एंड सिम्पथैटिक. सो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज ANS जिसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है पेपर्स में. ओके नाउ इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ चेन्स ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन. और ये देखो ये दो डायग्राम्स है पैरासिम्पथैटिक और सिम्पथैटिक. सिम्पथैटिक में आपको दिखाया एक साइड पे बैकबोन पे क्या क्या है और पैरासिम्पथैटिक में दूसरी साइड पे क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं. अब ये क्या है, दिस सिस्टम कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस, कंट्रोल करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए. ओके नाउ नर्व्स ऑफ द सिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम दे अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन द नेक एंड द वेस्ट रीजन्स. ओके और जो पैरासिम्पथैटिक है वो हमारी अबव द नेक, आप देख सकते हैं ये जो ब्लू डॉट्स है वो अबव द नेक है और जो नीचे वाली है वो बिलो द वेस्ट है. और ये जो हमारे पास सिम्पथैटिक है वो नेक और हमारे जो वेस्ट है उन दोनों के बीच बीच में ही है. ओके इसलिए उन दोनों के साइड्स भी अलग हैं ताकि दोनों मिक्सअप ना हो जाए. सो पैरासिम्पथैटिक इज लोकेटेड एट टू प्लेसेस, वो मैंने आपको बता दिया कि और ये एंटीरियरली है एक हेड में एंड नेक एंड अदर पोस्टीरियरली इन द सैक्रल रीजन्स. नाउ दीज टू पार्ट्स आर इन जनरल अपोजिट टू ईच अदर इन एक्शन ऑल्सो. लाइक जो हमारा सिम्पथैटिक है वो हमारा थोड़ा कामिंग होता है, मीन्स इट कामिंग नहीं ये हमारा थोड़ा स्टिमुलेटरी होता है और पैरासिम्पथैटिक कामिंग होता है. अब सिम्पथैटिक स्टिमुलेटरी कैसे, क्योंकि ये जो हार्ट बीट है ये इंक्रीज करता है, ब्लड वेसल्स को ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है एक्सेप्ट द कॉरोनरी वेसल्स विच आर डायलेटेड बाय इट. सो दिस इज द एक्सेप्शंस विच कैन कम एज अ गिव रीजन और द वन वर्ड दैट विच वेसल इज नॉट कंस्ट्रिक्टेड बाय द सिम्पथैटिक सिस्टम. सो दैट इज द कोरोनरी वेसल्स ऑफ द हार्ट. नाउ लंग्स, लंग्स की जो ब्रोंकाइज और ब्रोंकियोल्स हैं उन्हें डायलेट कर देता है. और इंटेस्टाइन्स के अंदर ये पेरिस्टाइलिस डिक्रीज हो जाते हैं इसके कारण. और यूरिनरी ब्लैडर का जो स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और मसल्स जो है वो रिलैक्स करते हैं. प्यूपिल हमारा डायलेट हो जाता है. जो सलाइवरी ग्लैंड है दैट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा. जो लैक्रिमल दैट इज टीयर ग्लैंड है उनकी स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन को. और उसी तरीके से हमारे पास हार्ट का जो पैरासिम्पथैटिक है वो रिटार्ड करते हैं, मतलब थोड़ी हमारी काम कर देता है हार्ट बीट को. और जो ब्लड वेसल्स है उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कॉरोनरी को अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और बाकी ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देता है. जो लंग्स के अंदर है हमारी ब्रोंकाई को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, पैरास्टाइलिसिस हमारी इंक्रीज हो जाती है और जो स्फिंक्टर है वो भी रिलैक्स हो जाता है. तो इसलिए क्या होता है मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. दैट्स वाई वी फील टू यूरिनेट एट दैट टाइम. ओके सो विच सिस्टम मेक्स अस फील टू यूरिनेट, सो दैट इज पैरासिम्पथैटिक सिस्टम. एंड द प्यूपिल ऑफ द आई कॉन्स्ट्रिक्ट्स द सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. और जो सिम्पथैटिक था वो हमारे ड्राइनेस ऑफ द माउथ उससे होती है हमारी. ओके सो लैक्रिमल दैट इज टीयर ग्लैंड, तो दैट इनहिबिट्स दिस सिक्रीशन, तो हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द आई वो भी ड्राई फील करने लग जाती है. जो अब हमारे इरेक्टेड मसल्स हैं जो हमारे स्किन के अंदर होते हैं जो हमारे हेयर को इरेक्ट करते हैं, सो वो क्या होता है कि जब हमें डर लगता है तो सिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है उसे इरेक्ट कर देता है, मीन्स वी हैव गूज़बम्स एट दैट टाइम. पर जो पैरासिम्पथैटिक है वो क्या करता है उन्हें रिलैक्स कर देता है. ओके सो बॉडी एज अ होल सिम्पथैटिक क्या करता है प्रिपेयर करते हैं हम एक एक्शन के लिए और जो पैरासिम्पथैटिक है वो प्रिपेयर करता है रिलैक्सेशन के लिए. ओके आई होप नाउ टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द होल एक्सप्लेनेशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द इमोशंस एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो क्या है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एज अ होल क्या करता है, इट इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशन, इमोशंस के साथ जैसे ग्रीफ, एंगर, फियर, सेक्सुअल स्टिमुलेशन एक्सेट्रा एंड हाई ब्लड प्रेशर, स्टमक अल्सर्स,
or some other troubles that may arise due to long continued emotional stress. तो हमारा जो nervous system की एक टाइप, जैसे autonomic nervous system नीचे जो उसके branched है एक chain, तो दिस इज़ द ओनली सिस्टम विच इज़ स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशंस. सो ये एक वन वर्ड की तरह आ सकता है. ओके, अब नाउ कम्स टू द रिफ्लेक्सेस. अब रिफ्लेक्सेस क्या है? इनवॉलंटरी एक्शंस हैं. अब रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया, दैट इज रिफ्लेक्सेस, मीनिंग रिफ्लेक्टेड और डायरेक्टेड बैक. ओके, अब ये भी दो टाइप के एक्शंस होते हैं विच अकर इन आवर बॉडी, दैट इज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. अब जो वॉलंट्री है वो हम कॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं, ठीक है. इनवॉलंट्री हम वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट दैट कि वो परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, लाइक हार्ट बीट, दैट्स इनवॉलंट्री, वी कैन नॉट. ओके, सो इन सो वॉलंट्री एक्शंस के अंदर क्या होता है कि लाइक इफ़ यू विश टू सी सम प्रोग्राम ऑन द टीवी, सो यू स्विच इट ऑन एंड प्रेस द रिमोट फॉर द पर्टिकुलर चैनल. ओके, अब यहाँ पे वॉलंट्री एक्शन और इनवॉलंट्री एक्शन हम रिफ्लेक्सेस के फॉर्म में ले रहे हैं कि अगर हमें मन करे तभी हम टीवी ऑन करेंगे, ठीक है. जब हमें भूख लगेगी तभी हम एप्पल उठाएंगे और उसे खाएंगे, ठीक है. अब जो इनवॉलंट्री है वो क्या है कि दे आर अकरिंग अननोइंगली, दे आर ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्सेस. सो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी, जैसे स्टिमुलस और एक रिफ्लेक्स एक्शन. अब स्टिमुलस क्या है? इट इज़ एनी एजेंट और एनवायरमेंटल चेंज विच इनिशिएट्स अ रिस्पॉन्स इन द बॉडी. नाउ स्टिमुलाई कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स. फिजिकल हो सकता है हमारा, जैसे टच, कोई प्रेशर होना. केमिकल हो सकता है जैसे लाइट, थर्मल जैसे हीट और कोल्ड, कोई गर्म चीज़ लगा ली हाथ तो इलेक्ट्रिकल कुछ हो सकता है. अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज़ ऑटोमेटिक, क्विक एंड इमीडिएट इनवॉलंट्री एक्शन ऑफ द इन द बॉडी ब्रॉट अबाउट बाय स्टिमुलस. अब क्या होता है इनवॉलंट्री एक्शन के अंदर, क्या होता है कि सम पार्टिकल्स अगर हमारे आई के अंदर है तो दे आर इमीडिएटली फ्लश्ड आउट ऑफ आर आईज बाय टीयर्स. हमारे ग्लैंडुलर सिक्रीशंस उस समय शुरू हो जाती हैं. अब जैसे जैसे हम अगर गलती से हमने एक आयरन, जो हॉट आयरन है, उसे एक्सीडेंटली इफ यू टच इट, सो देयर इज इंस्टेंटेनियस विड्रॉल ऑफ आर हैंड, मस्कुलर मूवमेंट की, ठीक है. जब हमें शिवरिंग हो रही है व्हेन इट्स टू कोल्ड, और हमें स्वेटिंग अब होती है व्हेन इट्स टू हॉट, सो ये अनकॉन्शियस है हमें इसके बारे में. और जब हम डार्क के अंदर है तो हमारा पीपल डायलेट हो जाते हैं, और वाइस वर्सा कि इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स व्हेन वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग लाइट. ओके, नाउ अभी आपको एक रिफ्लेक्स एक्शन दिखाया गया है, दैट इज़ अ नी जर्क रिफ्लेक्स ओवर हियर. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दिस लेग विच इज़ इनवॉलंटरली एक्सटेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ अ शार्प टैप बिलो द नी कैप इन अ रिलैक्स्ड लेग रेस्टेड ऑन द अदर लेग वाइल सिटिंग. सो देखिए कैसे ये सेंसरी न्यूरोन से पहले गए हमारे ब्रेन में, देन मोटर न्यूरोन वैसे हम वापस लेके आते हैं हमें एज अ रिफ्लेक्स करने के लिए कि वी जस्ट मूव इट अपवर्ड्स. ओके, देन वी आर हैविंग इज द इनवॉलंटरी एक्शंस वी हैव सीन, लाइक ऑफ वॉचिंग टी वी, ईटिंग एप्पल और एनीथिंग लाइक दैट. एंड इनवॉलंटरी एक्सेस जो हमारे इनबॉर्न रिफ्लेक्सेज हैं विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो लाइक डायलेशन ऑफ द पीपल, स्नीजिंग एंड कफिंग. ओके, देन वी आर हैविंग इज सिंपल और नेचुरल इनबॉर्न रिफ्लेक्सेज वी आर ऑल बॉर्न विद. अब ये क्या होता है कि इट इज़ द वन विच इन विच नो प्रीवियस एक्सपीरियंस और लर्निंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है. हमारे कोई प्रीवियस लर्निंग नहीं हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि ये इनबॉर्न होते हैं, दैट इज़ दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, लाइक ब्लिंकिंग, कफिंग, सलाइवेशन, स्वैलोइंग, नी जर्क रिफ्लेक्स एंड सो मैनी. ओके, देन दैट ऑल द वॉलंट्री एक्टिविटीज व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर दे बिकम इनवॉलंट्री, दैट आर एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, दैट इज कंडीशनड रिफ्लेक्स हो जाते हैं, विच इज़ वन डेवलप्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ओनली ड्यू टू एक्सपीरियंस और लर्निंग. लाइक वट यू एक्सपीरियंस सिंपली एट द साइट और बाय द स्मेल ऑफ द फेमिलियर टेस्टी फूड रिजल्टिंग इन वाटरिंग, ठीक है. लाइक यहाँ पे साइकिलिंग है, वी नो हाउ टू यू नो टाई आवर शू लेस एंड ऑल दैट. देन इज पावलोव्स एक्सपेरिमेंट ऑन अ डॉग. Now this is a classic example of developing a conditioned reflex, that is of Pavlov's experiment on the dog. Now this is a famous Russian biologist noted that under normal conditions no animal will secrete saliva in response to a ringing of a bell or to any other sound, but when a bell was repeated sounded stimulus simultaneously with a
presentation of food during the etiquette period of training, the dog salivated at the sound of the bell even when there was no food at that time. Now, in other words, we can say like a stimulus which was previously had no relation with that dog was now resulting in the watering of the mouth because ye ke condition reflex ek ban gaya uske upar. Kyunki whenever it rings a bell, it presents a food. So, ye ki uska experience hi ho gaya tha jo uska condition reflex ban gaya. Okay. Then we are having the reflex arc. अब ये क्या है that it is the shortest route that can be taken by an impulse from the receptor to the effector. जैसे stimulus से receptor, then via sensory neuron से brain और हमारे spinal cord में, then motor से effector, then response, which is shown in this diagram. Okay. Now this is also that when we by chance touch the hot pan, so what happens? Okay, so like various terms and components are also associated with the reflex arc, like receptor, sensory neuron, CNS, motor neurons, then effector. Then hamare paas ek aur cheez hai, complex reflex action. अब कम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इन्वॉल्व्स न्यूरॉन्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड. नाउ लाइक वाइल वॉकिंग इन अ डार्क रूम, इफ यू हैपन टू स्टेप ऑन अ कॉइल्ड पीस ऑफ रोप, यू सडनली जंप असाइड विद द फियर ऑफ सस्पेक्टेड स्टेन. सो वर्चुअली ऑल द स्केलेटल मसल्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस रिफ्लेक्स. ओके, so this was all for the today's video. I hope you like it, my content. So don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you. Thanks for watching.